चैप्टर नंबर थर्ड मोशन स्टेट लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसका लास्ट वीडियो रिलेटिव वेलोसिटी को लेके हम अपलोड कर चुके थे। अब हमारा चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट होता है, लेकिन चैप्टर नंबर फोर दैट इज़ मोशन इन प्लेन, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक और मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट रहेगी टूल की, और वो टूल क्या है? वेक्टर। इससे पहले हमने देखा कि हमें मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन जो एक टूल था, इंटीग्रेशन एक टूल था, उसकी रिक्वायरमेंट थी। ट्रिग्नोमेट्री भी हमें रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए। तो यानी मैथमेटिक्स के बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से अब एक टूल हो रहा है वैक्टर। और वैक्टर मान लीजिए फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है। आप देखोगे अभी इस वैक्टर्स का नॉलेज ले लीजिए, फिर हम देखते हैं वैक्टर्स को हम ट्वेल्थ के हर एक चैप्टर में, इलेवंथ के हर एक चैप्टर में देखें। मोस्टली हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, और कई प्रॉब्लम डायरेक्शन का सेंस नहीं होने से सॉल्व नहीं होती है। अगर सॉल्व हो भी जाती है तो वो इनकरेक्ट सॉल्व होती है। तो पहले हम वेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नमस्कार मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो आज हम पहले वैक्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं इस चैप्टर फोर में इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, इसको आप बेसिक रिक्वायरमेंट रखिए। चैप्टर फोर हम इसके दो या तीन वीडियो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे योर मोशन इन प्लेन चैप्टर नंबर फोर। तो देखिए वेक्टर क्यों पढ़ा, अभी आपने चैप्टर नंबर थ्री पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए सिक्वेंस में चल रहे थे अपन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके पास दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होती है, या तो वो फॉरवर्ड जा रहा है या वो बैकवर्ड जा रहा है। जैसे कार का एग्जांपल ले लें, तो कार या तो आगे जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर एक बॉल को अपन थ्रो करते हैं तो एक बॉल या तो अपवर्ड्स जा रही है या बॉल डाउनवर्ड्स जा रही है। तो दो ही डायरेक्शन होती थी, तो जिनको याद रखना बड़ा ईजी था, और उसका साइन कन्वेंशन भी बड़ा ईजी था कि इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसकी वेलोसिटी है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका एक्सेलरेशन है, वो पॉजिटिव ले लीजिए, और इस तरफ है तो नेगेटिव ले लीजिए। लेकिन ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो ऊपर के लिए पॉजिटिव वाई ले लीजिए, ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा तो नेगेटिव वाई उसका मोशन शो कर दीजिए। लेकिन अब हम मोशन इन प्लेन पढ़ने से हमें पहले वैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्टर्स क्यों? क्योंकि देखो एक प्लेन अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल ड्रो की है, आपने स्ट्रेट लाइन टॉपिक में केवल एक ही था, या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलावा मूव करेगा या वाई एक्सिस के अलावा मूव करेगा, दो ही डायरेक्शन उसके पास होती थी। वाई में मूव कर रहा तो एक्स में नहीं मूव कर रहा था, एक्स में मूव कर रहा है तो वाई में मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर अपन मोशन इन प्लेन की बात करें तो हमें एक प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे इसका एग्जांपल मैंने उस टाइम भी दिया था आपको, जैसे एक दीवार के ऊपर अगर छिपकली दौड़ रही है, एक लिजार्ड रन कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो एक प्लेन में मूव कर रही है, क्यों? आपकी दीवार एक प्लेन हो गई है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ वो है और यहाँ से यहाँ वो छिपकली मूव कर जाती है, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट जब मूव करती है तो देखो यहाँ उसकी पोजिशन अगर डिफाइन करनी है तो उसके पास एक्स की वैल्यू भी है, यहाँ देखिए उसके पास एक्स की वैल्यू भी है और उसके पास यहाँ से वाई की वैल्यू भी आएगी, फिर दोबारा उसके पास वाई की वैल्यू भी आएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आएगी। यानी अब हम दो कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, वहाँ क्या था? या तो एक्स था या वाई था, दोनों में से एक था, यहाँ x और y दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये मोशन कहाँ हो रहा है? एक प्लेन में हो रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो उसका मोशन एक्स वाई में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन। अगर मान लो ये यहाँ पे इस तरह से, अगर मैं इसको जेड एक्सिस ले लेता हूँ, ये तो आपको बेसिक पता ना, ये कि एक्स वाई जेड तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी भी? ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और आपकी ये वाली, ये वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इस प्लेन में मूव कर रहा हूँ, वाई जेड प्लेन बन जाएगा, इस पे मूव कर रहा है तो एक्स जेड प्लेन बन जाएगा, इस पे मूव कर रहा है अभी तो एक्स वाई प्लेन बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए हमें वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों? अगर मान लो ये डायरेक्शन है, अभी डायरेक्शन क्या थी? एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन थी या एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, दो थी।
अब ये इधर मूव करता मान लो, या ऐसे मूव करता है, या ऐसे मूव करता है, या ऐसे मूव करता है, ऐसे देखो बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबिलिटी हो जाती है। जितनी डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है पॉसिबल है, उससे भी और डायरेक्शन आ सकती है। और आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस तरफ लिजाड़ जाए या इस तरफ जाए एक ही बात है, एक बात नहीं होती, कि यहाँ की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन, दोनों की मोशन अलग ही डिफाइन होगा। दोनों को हम एक सिंगल मोशन या एक ही मोशन के इक्वल नहीं रख सकते, ये अलग तरह का मोशन है, ये अलग तरह का मोशन है। तो अब ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस हमारे पास आ रही है, तो अब इसको हम क्या करने, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ही वैक्टर का यूज़ करते हैं। तो आज हम इसलिए वैक्टर को पहले स्टार्ट करते हैं, और जब हम इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन में, ठीक है। चलिए तो अब पहले देखते हैं वैक्टर। तो वैक्टर का एक भाई कौन है, स्केलर। पहले तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस हमें समझना है, वैक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। पहले तो इन दोनों का बहुत अच्छे से डिफरेंस समझना है, ये डिफरेंस समझ गए तो आप फिर आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। नाम बहुत बड़े बड़े से हैं लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ये कुछ भी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने पहले ही बताया है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी है वहाँ मैंने बार बार इसको डिफाइन किया भी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच आर कैन बी मेजरेबल, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, MEASURE वाला मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं। अब बताइए मुझे कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो आपके दिमाग में आती है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रूम के पास जिस रूम में मैं खड़ा हूँ उसका फ़र्श का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये रूम का एरिया निकाल के दीजिए, तो आपके पास जो भी टेक्निक होगी वो टेक्निक अप्लाई करोगे और मुझे एरिया निकाल के दे दोगे। मैं कहूँगा कि इस रूम का टेम्परेचर मुझे बताइए, आप इस रूम का टेम्परेचर दोगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक जग रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ इसका मास बताइए, आप इसका मास बता सकते हो। अगर इस पेन को मैंने थ्रो किया तो किस स्पीड से ये जा रहा है, ये भी आप बता सकते हो। क्रिकेट में अपन देखते हैं, मैच आता है, मैच के अंदर वो हर एक बॉल की स्पीड बताते हैं कि किस स्पीड से ये बॉल फेंकी गई, बता सकते हैं। इसकी लेंथ अगर आपसे पूछूं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आपको जो जो मैं नाम ले रहा हूँ, लेंथ, स्पीड, मास, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों है, क्योंकि इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं, इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं। तो फिर कौन है जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। अगर आपसे कहे कि कोई आदमी कितना ईमानदार है, कितना होनेस्ट है, क्या इसका कोई मेजरमेंट है क्या। आज मौसम बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, 1 किलो अच्छा है, 20 लीटर अच्छा है, 3 सेंटीमीटर अच्छा है, ऐसा कोई मेजरमेंट है क्या इसका, नहीं। तो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट होना चाहिए, अगर हो सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में रखेंगे और उन्हीं को ही हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। हम ईमानदारी को लेके, क्या ईमानदारी है, क्या बेईमानी है, कितना होशियार है, कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ़ है, ठीक है, कितना अड़ियल है, कितना गुस्सा आता है, ये सब क्वांटिटीज़ है, इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। कोई भी एक अपने पास सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम से हम फॉलो करके इसको मेज़र कर सके। जबकि जो मैंने बताए हैं आपको, मास, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ और क्या था, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, टाइम, ये सब का एक तरीका है और वो तरीके से हम मेज़र करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया, कि अब हमने क्या किया, जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने नाम लिए हैं उनको एक तरफ रखा, फिर भी हमें उनमें कुछ और डिफ्रेंशिएट करना दिखा, यानी हम उनको और क्लासिफाई कर सकते हैं और आगे इनको सब डिवाइड कर सकते हैं। और हमने उनको सब डिवाइड किया वैक्टर और स्केलर के अंदर, वैक्टर और स्केलर के अंदर। कैसे डिवाइड किया, तो देखो पहले आपको जो बेसिक बता रखा है वो डेफिनेशन लिखते हैं। स्केलर क्या होते हैं, दोज क्वांटिटीज़
those quantities which has only magnitude, जिसके पास केवल magnitude होता है, और scalar vector की बात करूँ, quantity those quantities which has both magnitude as well as direction. अब पहले इसको हम बड़ा बारीक से समझेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ट्वेल्थ में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आएगी, बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज आएगी, इनमें हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. ठीक है, एग्जांपल शुरू करते हैं. जैसे पहले तो आपको ये वर्ड मैग्नीट्यूड का मीनिंग पता होगा. मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखिए, मैग्नीट्यूड एक कोई नया वर्ड नहीं है. आपने पहले भी इसको बहुत तरीके से पढ़ा है, बहुत अलग अलग नाम से पढ़ा है, बट जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देते हैं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप जब छोटे बच्चे थे, जब आपको बोलना भी नहीं आता था, तो आपको अगर पानी की रिक्वायरमेंट होती थी, क्यों ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे बच्चे, आपको बोलना नहीं आता तो आपको प्यास नहीं लगती है, आपको पानी की रिक्वायरमेंट रहती है. जब आप वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट थी, आप जब मान लीजिए 1-1.5 साल के थे, तो आप कुछ ना कुछ तो हिंट देते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे. जैसे जनरली हमारे साइड क्या बोलते हैं, मम, इसका मीनिंग क्या होता है, पानी समझते हैं. घर वाले तुरंत ही आपको पानी, एक गिलास से पानी पिला देंगे, जो भी बोतल है आपकी उससे पानी पिला देंगे. फिर थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद में आपने सुना आसपास सब बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं कि भाई मेरे लिए पानी लेके आओ, हाँ भाई पानी आ गया, पानी ऐसा पानी वैसा. तो आप सीख गए कि इसको ये जो है ना, ये फ्लो होने वाली चीज़ है, इसको जनरली पानी बोलते हैं. आप सीख गए, आपने उस थोड़े बड़े हुए जब आपको बोलना शुरू हुआ तो आपने पानी वर्ड शुरू कर दिया. फिर आपके घर वालों ने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया. इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, आपको वहाँ सुन रहे सब बच्चे, सब मैम मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर, ये वाटर बॉटल, वाटर वाटर सुन के आपने वाटर बनना शुरू कर दिया. फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर आपके बुक्स में साइंस ऐड होने लगे, साइंस में आप पढ़ने लगे, केमिस्ट्री पढ़ने लगे, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पता लगे, वो क्या बन गया, H2, आजकल नया नाम चल रहा है एक्वा, ये भी कुछ सुनते हो. तो अब आपको पता है कि ये H2 ही है, ये H2 है, H2O, H2, सॉरी. ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें एक ही तो है, इनका नाम अलग अलग हो गया. तो वैसे ही है, मैग्नीट्यूड वही चीज़ है जो आप थोड़े पहले 9th क्लास तक मान लीजिए आप कहते थे वैल्यू पुट करो. ठीक है, उससे पहले बोलते थे जैसे मान लो कोई नंबर पुट करो, फिगर मान लो, ये सब और ये मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ है. जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हमारे घर में डेली इतना लीटर पानी यूज़ होता है, तो ये 200 क्या है, मैग्नीट्यूड है. मेरी लेंथ 6 फीट है, तो ये 6 क्या है, मैग्नीट्यूड है. ठीक है, मेरा मास है वो 90 kg है, तो 90 क्या है, मैग्नीट्यूड है. ठीक है, जिसको आप वैल्यू नंबर फिगर बोलते थे, अब वही चीज़ मैग्नीट्यूड में आ जाती है. ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड समझ में आ गया. अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इनका मीनिंग क्या निकलता है. तो देखो, ऐसा है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. जैसे मान लीजिए कि मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी का कोई ना कोई टेम्परेचर है अभी. ठीक है, अब अगर मैं मेरी डायरेक्शन चेंज कर लूँ, आप इधर मूव कर लेता हूँ, मैं डायरेक्शन ये कर ली नॉर्थ साइड में, वेस्ट तरफ मेरा मुँह था, नॉर्थ तरफ मूव हो गया, क्या मेरा टेम्परेचर बॉडी का वही है या चेंज हो गया? अगर मैं इधर मूव कर लेता हूँ तो, इधर मूव कर लेता हूँ तो, आप मुझे पकड़ के ऐसा उल्टा लटका दो, तो हर एक सिचुएशन में मेरी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा. डायरेक्शन चेंज करने से मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, जैसे ये मेरे पास मार्कर इंक रखी हुई, ये मेरे पास मार्कर इंक रखी हुई. ठीक है, इसमें 15 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है, और अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो भी 15 ml, इसको मैं ऐसे कर दूं तो 15 ml, ऐसे कर दूं तो 15 ml, तो यानी इसका वॉल्यूम है वो हमेशा 15 ml ही रहने वाला है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है. यानी स्केलर का एग्जांपल लिखूं मैं, तो आपने क्या एग्जांपल बता दिया कि टेम्परेचर स्केलर में काउंट होगा, टेम्परेचर
टेम्परेचर है वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल है, लेकिन उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरा अभी बताया आपने वॉल्यूम, ऐसे मुझे बताओ टाइम, टाइम का कोई रिलेशन है क्या? टाइम तो अगर मेरी घड़ी में है अभी 10 बज रहे हैं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या टाइम स्पीड बढ़ जाती है क्या, ये टाइम स्लो हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता नहीं है, बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट चलता रहता है। तो आपका टाइम भी क्या हो गया, मेजरेबल है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन कोई लेन देन नहीं है, तो किसमें आगे, स्केलर में आगे, ठीक है। आपको अगर कोई कहता है कि आपको फिटनेस के लिए 2 किलोमीटर डेली दौड़ना चाहिए, अब वो 2 किलोमीटर आप किधर दौड़ो, इधर दौड़ो चाहे इधर दौड़ो, चाहे इधर दौड़ो चाहे इधर दौड़ो चाहे इधर दौड़ो, किसी भी डायरेक्शन में आप 2 किलोमीटर दौड़ो, आपकी बॉडी पे इफेक्ट वैसा ही पड़ने वाला है। यानी वो तो 2 किलोमीटर है, वो एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए आप चाहते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है, यहाँ आप खड़े हो और किसी पॉइंट पे आपको जाना है, मुझे पता है वो पॉइंट आपसे नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पे है, तो अब मैं आपको नॉर्थ डायरेक्शन बोल के 2 किलोमीटर भेजूंगा। अगर आपको मैं साउथ डायरेक्शन बोल के अगर 2 किलोमीटर भेज देता हूँ मैं, तो आप 2 किलोमीटर तो गए लेकिन डायरेक्शन आप बिल्कुल गलत बताई मैंने आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन इस तरह बताऊँगा, यानी साथ में डिस्टेंस बताऊँगा कि 2 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है उसमें डायरेक्शन ऐड कर दूंगा, तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये किस में आता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, वो किस में आ गया आपका, स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो ये पेन की लेंथ है, ये पेन की लेंथ अभी भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर कैसे भी कर लीजिए, तो ठीक है। तो लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात होगी, ये सब इसमें काउंट होंगे। वेक्टर में देखिए और क्वांटिटी कौन कौन सी, जैसे आपको बता रखा है अब तक आपने पढ़ा है, वो कौन सा पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, एक आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है शायद, हाँ वेलोसिटी पढ़ी है आपने। तो वेलोसिटी को हमने वेक्टर कहा था, क्यों वेक्टर कहा था, कि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन ऐड करनी पड़ती है, केवल स्पीड से ही काम चलता है, स्पीड में डायरेक्शन ऐड होनी चाहिए, क्यों डायरेक्शन चेंज करने से आपकी वेलोसिटी चेंज मानी जाती है। अगर आपको कह रहा हूँ कि मुझे मान लो कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे वो बास्केटबॉल का जो बास्केट लगी हुई है, ठीक है, बास्केटबॉल खेलते हैं अपन और बास्केट लगी हुई है, उस बास्केट के अंदर क्या करना है मुझे, एक बास्केट वो बॉल को डालना है। तो अब उस बॉल को डालने के लिए आपको मुझे एक तो उसकी स्पीड से फेंकना है वो बताना है, प्लस डायरेक्शन बताना है। अगर उसी स्पीड से मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो मुझे स्पीड भी बतानी है ताकि वहाँ तक वो पहुँच चुके, उस बास्केट तक पहुँच सके और उसके बाद वो अंदर जाने चाहिए। तो अब वो अगर आपने डायरेक्शन मुझे सही नहीं बताई है, डायरेक्शन ऐड नहीं की है, तो वो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन ऐड की, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऐड किया, तो वो क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर में काउंट करते हैं। फोर्स, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस पैर पे अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो इधर जाएगा, और इस पेन पे मैं इधर फोर्स लगाऊं तो इधर जाएगा। तो जैसे ही मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दी, उसका इफेक्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। इसको इधर से फोर्स लगाऊं तो ये ऊपर जाएगा। तो जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं फोर्स की, तो क्या हो रहा है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है, यानी आपका रिजल्ट है उस पे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स भी इसके अंदर आएगा। तो अब आप मेरे ख्याल में लगभग समझ चुके हैं कि किसे हम वेक्टर बोलेंगे, किसे हम स्केलर बोलेंगे, ठीक है। तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, और जिसके पास दोनों है, डायरेक्शन भी है, वो क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दे चेंज व्हेन मैग्नीट्यूड चेंज, और इसमें क्या है, दे चेंज, हाँ देखिए ये और पॉइंट है कि ये चेंज हो सकते हैं। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, आपकी स्केलर क्वांटिटी चेंज मानी जाएगी। दे चेंज इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर का जो मैं लिख रहा हूँ, दे चेंज इफ
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। देखिए, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मैंने इसका ये कैप थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ऐसे होल्ड कर दिया, तो इसकी लेंथ मान लो अब 11 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, तो अब पहले वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर, अब वाली लेंथ 11 सेंटीमीटर, तो दोनों लेंथ की वैल्यू को आप एक इक्वल नहीं पुट नहीं कर सकते, यानी आप 10 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। यानी अब ये अलग स्केलर क्वांटिटी था और ये अलग स्केलर क्वांटिटी में काउंट होगा। यानी आपने जैसे ही मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वो क्वांटिटी, यानी आपने एल को 10 सेंटीमीटर के बराबर रखा था, लेकिन इसको आपने 11 सेंटीमीटर कर दिया, तो अब आप L यूज़ नहीं करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, L डैश, क्योंकि अब ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो चुकी है क्योंकि आपने इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे वेक्टर में भी होता है, तो मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे होगा वैसे ही यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्शन आप समझ सकते हैं। अगर मान लो आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी रिजल्ट अलग आएगा। जैसे वही है, मुझे बास्केट करना है, तो आपने इस बोल को अगर इधर से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका इधर, और इधर भी आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, अब दोनों केस में आपका मैग्नीट्यूड सेम है 20 20, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन पहले इधर थी, अब डायरेक्शन आपने इधर कर दी, तो जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज की तो क्या इन दोनों को आपका रिजल्ट जो आएगा उस पर सेम रिजल्ट आएगा या अलग अलग रिजल्ट आएगा? इस केस में तो आपकी जो बॉल है वो बास्केट हो जाएगी और इस बॉल में बास्केट नहीं होगी। तो आपने चेंज कर दी वेलोसिटी, हम बोलेंगे आपकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए थी 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको हम बिल्कुल ही अलग वेलोसिटी मानेंगे, उसको सेम नहीं मानेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, एक को वी लिखेंगे तो दूसरे को वी डैश लिखेंगे, चाहे दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन मान लो ये 30 डिग्री है, मेरे हाथ से 30 डिग्री भी गया और ये 45 डिग्री भी गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, 30 से 45 हो गया, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर ही पूरा चेंज हो गया। और अगर दोनों चेंज कर दोगे तो भी हम चेंज ही मानेंगे, केवल मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी वेक्टर चेंज है, केवल डायरेक्शन चेंज करते हो मैग्नीट्यूड उतना रखते हो तो भी वेक्टर चेंज है, और दोनों ही चेंज कर देते हो तो भी हम उसको चेंज ही मानते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लास्ट है, एडिशन। अब दो स्केलर क्वांटिटी को हमें ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम सिंपल एलजेब्रा मेथड यूज करते हैं या लॉज ऑफ एलजेब्रा यूज करते हैं। यहाँ हमें उनसे काम चलेगा, हमें यहाँ वेक्टर मेथड चाहिए जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। समझते हैं है क्या ही? देखिए, एलजेब्रा मेथड कुछ नहीं है, जो आज तक आपने मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पढ़े हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़े हैं, वही सिस्टम एलजेब्रा बोलते हैं उसको। वेक्टर मेथड हमारे लिए हम नए हैं, पहले हम उनको स्टडी करेंगे और उनका यूज़ भी करना सीखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल, अगर आपकी स्केलर क्वांटिटी, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन 10 सेंटीमीटर का है, एक लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ 10 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ एल प्लस एल 2L आ गया, तो ऐसे हम स्केलर ऐड कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। इस आप जहाँ बैठे हैं उस रूम में जितनी बॉडीज हैं उन सबका मास आप ऐड कर सकते हो, सिंपल ऐड कर लोगे, सिंपल जो आपने एडिशन का तरीका सीखा है छोटी क्लास से वही यूज़ करोगे। लेकिन जब हमें वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम सिंपल एलजेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते, उनके दो बेसिक रूल है, एक तो पैरेललोग्राम लो और एक ट्राइंगल लो। तो पहले हम वो पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कैसे हम वेक्टर मेथड का यूज़ करेंगे, तो सब कुछ वहाँ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्या हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, ये और पढ़ लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं। देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वेक्टर के पास बेसिकली डायरेक्शन होती है, तो सारा उसका जो हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम डायरेक्शन को फोकस में लेके ही करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमें सिंबल की बात करें, सिंबल हमें किसी भी वेक्टर का शो करना है तो उस पर हम क्या करते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर से मान लो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये स्पीड है कि वेलोसिटी, क्योंकि आपको जो मैंने मोशन
इन स्टेट लाइन पढ़ाया था तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए एक ही सिंबल यूज़ हो रहा था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर ये वेलोसिटी है तो इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे और जो भी यहाँ पे डायरेक्शन होगी, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन है, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो यूज़ करेंगे। और जैसे एनसीईआरटी बुक की बात करें तो, और किसी बुक में आप देखोगे तो जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको ऐसे बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो तब देखना, बोल्ड लेटर में आपको मिलेंगे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और अगर हम, क्योंकि यहाँ पे बार बार बोर्ड पे अपन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते बार बार वेक्टर्स को, तो हमने तरीका क्या है कि हम ऊपर एक एरो लगा देते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है। और साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे एरो से भी। तो यहाँ क्या है कि इस एरो के पास दो चीज़ें, एक तो देखो इस एरो के पास क्या है, लेंथ है, एक तो इस एरो के पास लेंथ है, दूसरा ये क्या है, ये है एरो हेड, इसे क्या बोलते हैं, एरो हेड। तो ये लेंथ तो रिप्रेजेंट करती है उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर के पास देखो दो होता ना, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। तो जो आपकी लेंथ है वो शो करेगी मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है वो एरो हेड शो क्या करेंगे, आपके डायरेक्शन, क्या शो करेगी, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, ये ड्रॉ किया, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स ड्रॉ किया है, फोर्स क्रिएट है 2 न्यूटन। ठीक है, तो 2 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको डबल कर दो नॉर्थ के अंदर ही, तो आप इसको 4 न्यूटन ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे, इससे जस्ट डबल लेंथ लेके चलेंगे। तो अब ये क्या बन गया आपका, 4 न्यूटन बन गया। डायरेक्शन आपने चेंज नहीं की तो ये नॉर्थ का नॉर्थ रह गया। आपसे कहे कि डायरेक्शन आप नॉर्थ वेस्ट कर दीजिए, 2 न्यूटन रखिए फोर्स को और डायरेक्शन आपने नॉर्थ वेस्ट कर दी, तो इस तरह से आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शो कर दी उसी की फोर्स की। तो एरो हेड डायरेक्शन शो करता है और जो मैग्नीट्यूड है वो किससे शो करेंगे अपन, उस एरो की लेंथ से। जैसे आपसे कहते हैं कि 1 न्यूटन ड्रॉ करो तो आप उससे भी छोटा ड्रॉ कर दो, ये 1 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स का वैक्टर बन गया। ठीक है, इससे हेल्प मिलती है हमें काफ़ी, ग्राफिकल मेथड से भी हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर के जो हमें पता होने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि हमें उनका यूज़ करना है बार बार। सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इक्वल वेक्टर्स। किन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, बहुत बार यूज आता है कॉन्सेप्ट इक्वल वेक्टर्स के लिए। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये अब देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने ये दो वेक्टर ड्रॉ किए, दोनों के देखो लेंथ सेम है, लेंथ सेम का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का एरो हेड एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर वी, दीज आर नोन एज इक्वल वैक्टर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, इक्वल वैक्टर्स। फिर इससे इसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट, दैट इज नेगेटिव वैक्टर, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, हम किसी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। जैसे मान लो मैंने आपको ये वेक्टर ए दिया है, ठीक है, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेगेटिव ए वेक्टर दो, यानी माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करो। तो माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, इसकी जो टेल है उससे जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल, केवल डायरेक्शन आपको जस्ट अपोजिट करनी है, मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही मैग्नीट्यूड आपको यहाँ यूज करना है, बस डायरेक्शन 180 चेंज कर देनी है, यानी जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर देनी है। तो अब ये जो वेक्टर मेरे पास बन के आया है वो क्या है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एक तो ये, तीसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा कौन सा आता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मीनिंग क्या होता है, देखो फिजिक्स में बहुत बार आपने यूज होगा, यूनिट का मतलब होता है वन से,
किससे करते हैं अपन, वन से। यूनिट दो तरह से, एक तो सिंपल अपन यूनिट किस में यूज़ करते हैं, जैसे केजी, डिग्री सेल्सियस, मीटर, सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब, एरिया में मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी यूनिट है सारी। और वैसे यूनिट का मीनिंग क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो दो मीनिंग आप ध्यान रखना, यूनिट का यहाँ वन यूज़ हो रहा है। तो यूनिट वैक्टर क्या हो गया, क्योंकि वैक्टर वो वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, द वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, कोई भी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसको यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ समझिए आप। अब मान लो मैंने ये वेक्टर ए लिख रहा हूँ, तो कोई भी वेक्टर है उसके पास क्या होता है, उसके पास मैंने कहा आपका मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन ईस्ट, ये मैंने लिखा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। अब ये जो 2 न्यूटन है, ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 2 न्यूटन क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तभी तो ये वेक्टर कंप्लीट हुआ है, एक वेक्टर पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों शो करोगे तभी तो वो क्या है, एक वेक्टर कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो एक स्केलर रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा तो केवल स्केलर रहेगा, डायरेक्शन मेंशन नहीं करते आप, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये एक वेक्टर एग्जांपल ले लिया अपन ने। अब पहला टर्म क्या रहा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसा मॉडुलस, समझ गए मेरी बात को, यानी फोर्स अगर इस केस में बात करूं तो मॉडुलस ऑफ फोर्स क्या आएगा, 2 न्यूटन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 न्यूटन है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, वेक्टर ए है उस वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर एफ है इस एफ का मैग्नीट्यूड ये है 2 न्यूटन। अब उसके बाद क्या आती है, डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इसको ही हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं यूनिट वैक्टर, क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैप लगा दी, क्योंकि देखो अगर एक वेक्टर है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक्स, एक्स कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर पास होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आप शो कर दिया मॉडुलस में और ये लगा दी उस पर डायरेक्शन के लिए एक्स कैप लगा दिया। तो ये एक्स कैप क्या है, एक्स कैप उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है नहीं भाई। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप मैग्नीट्यूड वन कर दो, जैसे मैं इसका मैग्नीट्यूड वन कर देता हूँ 1 न्यूटन, तो ये वन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे, वन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इष्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और किसी भी चीज़ को आप वन से मल्टीप्लाई करते हो, क्या बचता है, केवल जिस चीज़ से आपने उसको मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 1 × 4 होता तो 4 बचता, 1 × 7 होता तो 7 बचता, 1 × ईस्ट है तो क्या बच गया, ईस्ट बच गया, यानी क्या बच गया, केवल डायरेक्शन बच गई है। यानी यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए उसके पास लास्ट में क्या बचती है, डायरेक्शन बचती है, ठीक है। इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए। ध्यान रखना यूनिट वेक्टर्स का यूज़ होता है डायरेक्शन शो करने के लिए, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यूनिट वैक्टर की अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो ये वैक्टर देखो इसको बोलते हैं वैक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वैक्टर ए। और ज़्यादा समझ में आएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हम इसका यूज़ करना शुरू करते हैं, जैसे मान लो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया जो बेसिक हम यूज़ करते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जे है, ठीक है। अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट अलोंग जेड एक्सिस मूव कर रहा है, तो ये 3 डायरेक्शन हमने पहले से बना रखी है। ये जो डायरेक्शन है इसका हमने नाम निकाला है आई कैप, क्या नाम निकाला है, आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप। इसका नाम निकाला है हमने यूनिट कैप वेक्टर जे कैप, और इसका नाम निकाला है यूनिट वेक्टर के कैप। ये ध्यान रखना ये 3 यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं जो हमेशा यूज़ होगा। आई हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मूव कर रहा है, वाई हमेशा जे एक्सिस के, सॉरी जे हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग जब मूव करेगा, और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग मूव करने वाला है, ठीक है। जैसे अभी आपने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था,
और मान लीजिए एक कार आपकी ऐसे जा रही है, ए कार आपकी ऐसे जा रही है और बी कार आपकी ऐसे जा रही है। बी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से और ए जा रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हम डायरेक्शन यूज करेंगे। तो आपको बता रखा कि दोनों अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, ऐसा बताया मैंने आपको, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी डायरेक्शन है उसका नाम हमने क्या डिसाइड कर रखा है, आई कैप डिसाइड कर चुके हैं। तो हम क्या लगाएंगे, ए इधर मूव कर रहा है तो हम मैंने लगा दिया ए आई कैप। तो अब ये वेक्टर फॉर्म बन गया है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म बन गया है, हम इसको लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकंड अलोंग आई कैप, यानी अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर रहा है। अब ये बी देखो, बी आपका इस तरफ मूव कर रहा है, तो अब अगर मैं इसको आई डायरेक्शन मान लेता हूँ तो ये इसके जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे यहाँ हुआ है। अगर आपने इसको आई माना है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन हुआ, माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो अब इसको शो करने के लिए वैक्टर फॉर्म में ये माइनस आई शो करूँगा, माइनस आई कैप और ये माइनस साइन यहाँ आ गया, ये वेलोसिटी आ गई है बी की। तो अब यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड आई कैप लिखा और इधर मूव कर रहा है तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड आई कैप लिखा। ये माइनस कहां से है, इस डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे, आगे बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए भाई अगला है कोलीनियर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी एक ही लाइन होगी। जैसे मैं ये ड्रॉ करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है, जैसे वेलोसिटी मैंने एग्जांपल ले लिया, एक ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो ये तीन ऑब्जेक्ट है जो एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन है कैसे, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये तीनों वेक्टर हम क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर्स है। इन तीनों की एक ही लाइन है जिस लाइन के अलोंग वो अपना मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ये कोलीनियर हो गया। कोप्लानर, अब आप समझ गए, कोलीनियर समझ गए तो कोप्लानर भी आप समझ जाएंगे। कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं, अभी अपन एग्जाम्पल लिया था वही देख सकते हैं आप। ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है और इधर मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है इधर मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है इधर मूव करता है। तो आप देखो ये तीनों वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c तीनों एक ही प्लेन में एक्टिव है, ठीक है। अगर मान लो डी, अगर मैं एक डी ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये डी आउटसाइड द पेपर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका कौन सा होता है, ये होती है जेड एक्सिस, ये होती है जेड एक्सिस, ये कौन सी है एक्स एक्सिस, ये कौन सी वाई एक्सिस। तो जेड और वाई, जेड और वाई, ये रहा, ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो अब वैक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो वाई जेड प्लेन के अलोंग आ रहा है, वाई जेड प्लेन के अलोंग आ रहा है, वो इनके साथ को प्लानर नहीं है, वो वाई जेड प्लेन में है और ये सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में है। तो इनको हम को प्लानर बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक और टाइप है, वो है जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है एक्सलरेशन है कि नहीं है। देखो सीधी सी बात, इधर आ जाओ। अब मान लो कि आपने किसी एक थ्रेड के साथ एक पत्थर को घुमाया है, एक पत्थर बांध दिया, उसको थ्रेड के साथ बांध के ऐसे सर्कुलर मोशन करवा रहे हो। अगर मैं आपसे वो घूमता हुआ है और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे मुझे उसकी वेलोसिटी बताओ, जो पत्थर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो आप कहोगे कि इस पे स्पीड मान लो इसकी कांस्टेंट, मतलब मान लो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो यहाँ भी 20 है, इस पॉइंट पे आप आए तब भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पे आए तब भी 20 मीटर पर सेकंड है और इस पॉइंट पे आए तो भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्सेलरेशन कितना है,
अब आपको देखोगे तो सर एक्सेलेरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। याद कीजिए सेकंड पॉइंट अभी बताया था मैंने स्केलर वेक्टर में, अगर आप केवल डायरेक्शन में भी चेंज करते हो तो आपका वेक्टर चेंज माना जाता है, यानी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं मानी जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन कितना हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज तो जीरो हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन इसके पास एक्सेलेरेशन की आएगी, आगे पढ़ेंगे अपन, कुछ ना कुछ डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की आएगी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यानी केवल इसके पास मैग्नीट्यूड तो नहीं बचा लेकिन डायरेक्शन इसके पास बची है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स का भी हमें यूज़ रहता है, नल वेक्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और पढ़ लेते इसका और, ताकि फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एडिशन करना, जो वेक्टर मेथड्स जो मैंने आपसे कहा था वो वेक्टर मेथड्स हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है कि वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो देख लिए, कैसे यूनिट वेक्टर मॉडुलस निकालना मतलब मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है जो केवल डायरेक्शन का डायरेक्शन शो करने का मतलब, एक एंगल निकालना तरीका और सीख लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये और समझ लीजिए। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये दो वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, इस एंगल को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो दोनों की टेल एक साथ कर दो या दोनों के हेड एक साथ कर दो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा यानी वो उनके बीच का जो एंगल आएगा उनको ही इसके बीच का एंगल मानेंगे। जैसे अगर मैं ये ए ड्रॉ कर दिया मैंने दोबारा और ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया, दोनों की टेल मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी, अब जो एंगल बनेगा वो इनके बीच का एंगल माना जाएगा। ऐसे मैं नहीं करूँगा कि जैसे मैंने ये ए ड्रॉ किया और ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया, यानी ए का हेड ए का टेल, ये एंगल थीटा इनके बीच का नहीं माना जाए, एंगल तो कुछ ना कुछ है लेकिन एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ये काउंट नहीं होगा, ये एंगल बिटवीन यानी दो वैक्टर के बीच का कितना एंगल है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इस मेथड से बताना है, इस मेथड से नहीं बताना है, या दोनों का हेड मिक्स कर दो यानी ये तो आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर ही आएगा, दोनों का हेड आप ज्वाइंट करोगे या दोनों के टेल आप एक सिंगल पॉइंट पर ज्वाइंट करोगे उसके बाद जो इनके बीच का एंगल आएगा वो काउंट करोगे, ऐसे आप एंगल इनके बीच का नहीं निकालोगे। आगे फिर अब इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये वेक्टर का लेके हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, छोटी सी क्लास थी लेकिन हमने वेक्टर्स को लेके जो बेसिक है कॉन्सेप्ट वो हमारे दिमाग में हमने क्लियर किए हैं। अब अगले वीडियो से हम इसके जो ऑपरेशंस है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे बनाते हैं ये सब सीखेंगे, दो या तीन वीडियो में और चाहिए होंगे, उसके बाद हम हमारा फिजिक्स का आगे बढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इलेवंथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितना इलेवंथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा ट्वेल्थ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर IIT, जी या आपका नीट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे आते हैं, तो हम भी इसके क्वेश्चंस करेंगे जब पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।